और वहीं शेरपुर में कांग्रेस ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस का कहना है कि वार्ड नंबर 7 वीरपुर से नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य संदीप शाक्य को अपने मामा के यहां कैलारस से रात 2 बजे मुरैना पुलिस ले गई। 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग होनी है और पुलिस जिला पंचायत सदस्य को उठा ले गई है। राजनीतिक विद्वेषवश ये कार्रवाई की गई है। चूंकि जिला पंचायत हमारी बन रही है, जनपद पंचायत हमारी बन रही है, नगर पंचायत विजयपुर भी हम बनाएंगे, इन सबको लेकर बीजेपी के लोग बौखला रहे हैं, सरकार बौखला रही है और राजनीतिक विद्वेष के कारण ये सब किया गया है। मुरैना में कांग्रेस ने पुलिस पर अपहरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि श्योपुर जिला पंचायत के 2 सदस्यों का अपहरण हुआ है। दरअसल 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जिला पंचायत के सदस्यों का अपहरण हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस ने मुरैना पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया है। हम चाहते हैं कि पुलिस ने ये सदस्य गायब कराए हैं, पुलिस हमारी दोनों सदस्य वापस करे चुनाव से पहले। तो आप ये धरना क्यों दे रहे हैं? धरना इसलिए दे रहे हैं सदस्य हमारे वापस करे, कल चुनाव होना है। और अगर धरना इन्होंने वापस नहीं किया आपके सदस्य तो बैठे धरने पे बैठे हैं। देखिए आज कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधि हमारे पास में आए थे और उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप लिखित में अपना आपको कंसर्न दें और उसके एक एक पॉइंट पे हम जांच करवाएंगे। यदि उसमें जरा सी भी सच्चाई हुई तो जो सही कार्रवाई है सही कार्रवाई की जाएगी, और यदि मुरैना से कोई गया है और तो उसको लाने की जवाबदारी पुलिस की है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और उसको बहुत जल्दी हम लोग रिकवर करेंगे।